जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को शत शत प्रणाम। सारी संगत जो भी गुरु जी के साथ जुड़ी है उनके चरणों में भी उनको भी बारंबार प्रणाम। आज मैं शिवरात्रि के मौके पे बताना चाह रही हूँ कि शिव और गुरु क्या है। गुरु जी ने शिव को कैसे महत्ता दी और गुरु जी कौन है। जब हम गुरु जी के पास आए उस टाइम तो हमें पता भी नहीं था कि गुरु जी क्या हैं, क्या रूप है उनका और क्या उनकी पावर है। उनकी व्याख्या करना बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है। गुरु जी का बता रही हूँ कि जब हम गुरु जी के पास आए उस टाइम ये मंत्र नहीं था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साए। ये मंत्र उनके जाने के बाद बना। और इस मंत्र में गुरु जी ने इतनी एक पावर डाल दी है, बहुत ही यही मंत्र है जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करता है और जो मन को शांति देता है। एक दिन गुरुजी के पास मैं अचानक बैठी हुई थी। गुरुजी कहने लगे, शर्मा आंटी, मैं क्या, हां जी गुरुजी, ले कल शिव पुराण लेके आई। ठीक है गुरुजी। अगले दिन मैं शिव पुराण लाना भूल गई, पर उनको सारी बात याद होती थी। उन्होंने मेरे को कहा, कितने तेरा शिव पुराण लेके आई है। मैं कह नहीं गुरु जी, कल लेके आऊंगी, चल कल लेके आई। गुरु जी नेक्स्ट डे मैं गई, शिव पुराण लेके गई। गुरु जी ने मेरे को पास बुलाया, कितने तेरा शिव पुराण। मैंने बुक उनके हाथ में दे दी और उन्होंने उस बुक को, शिव पुराण को पकड़ा, कितने प्यार से उसको ब्लेस करा, उस पे डेट डाली 31 जनवरी 2001। पूरा उस शिव प्राण को उन्होंने ब्लेस करके मेरे को दे दिया। ये उन्होंने कहा कि पढ़िया कर। अब पढ़ना किसने था, वो शिव प्राण मैंने एज इट इज जाके कबर्ड में रख दिया, क्योंकि हम लोग गुरुजी के साथ इतने बिजी होते थे, इतने बिजी होते थे, चाहे दिन होता था चाहे रात होती थी, हमें कुछ भी सोच नहीं रहा होता था कि हम शिव पुराण पढ़े या कोई और बुक्स पढ़े, कुछ भी ध्यान नहीं था। उस टाइम हम मस्ती में, गुरुजी की मस्ती में थे। उनके जाने के बाद उस शिव प्राण को निकाला, ये बात है 2011 की। जब उस शिव प्राण को निकाला, गुरुजी के ब्लेस करे हुए शिव प्राण को निकाला पढ़ने के लिए, जब डेट देखी तो ध्यान आया कि वही डेट गुरुजी ने बड़े वाली डॉटर को ब्लेस करा था और हमें पता नहीं था, क्योंकि वो जानी जाना है आगे आने वाले टाइम में क्या होना, कैसे होना, कब होना, उनको सब नॉलेज थे। उसके बाद मैंने वो शिव पुराण पढ़ा। शिव क्या है, गुरु क्या है, गुरु जी ही शिव है, शिव ही गुरु है। कहते हैं ना, गुरु जो होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कुछ गुरु जी हैं। वो मैंने शिव प्राण पढ़ा, पर अपने टाइम पे गुरुजी ने इतना ब्लेस करा हुआ था, इतना ब्लेस करा हुआ था। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी शादी से पहले, अपनी मैरिज से पहले शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, पर मैंने शिव की पूजा को खंडित करा, क्योंकि स्टडी के दौरान मैं हॉस्टल में थी, मंडे के फास्ट रखती थी,
अब मंडे के फास्ट कभी छूट जाते थे, कभी रह जाते थे, कभी कुछ हो जाता था। तो जो मंडे के फास्ट थे रेगुलर नहीं रखे गए, कभी शुरू करे कभी नहीं करे, तो उस टाइम ध्यान नहीं करा मैंने। और मैरिज हो गई, शिव का बताने जा रही हूं कि शिव या गुरु एक ही रूप है, शिव की भक्ति ऐसे नहीं मिलती, गुरु की भक्ति ऐसे नहीं मिलती। शादी हो गई, छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन हस्बैंड आए, जी मेरे को किसी ने बताया कि शिव के ऊपर जल चढ़ाना। तो हस्बैंड ने कहा कि मॉर्निंग में हम शिव के ऊपर जल, तब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, शिव के ऊपर जल चढ़ाना। तो मैंने कहा ठीक है। रात कोई ड्रीम में क्या देखा मैंने मॉर्निंग के टाइम कि मैंने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया और कैसे तड़ाक 7-8 फीट शिव प्रकट हुए। उन्होंने मेरे को डांटा कि खबरदार मेरे ऊपर जल चढ़ाया। तो दोबारा जैसे मैं रॉयसी सी हो गई, उनके चरणों में ऐसे बैठी थी, उन्होंने मेरे को 2-3 डांटे और लगा दी कि खबरदार मेरे ऊपर तूने जल चढ़ाया। फिर मैंने प्रार्थना करी उनसे कि कैसे करूं। उन्होंने उस टाइम यही शब्द कहे थे कि पहले तुम विष्णु भगवान की आराधना करो। तो ड्रीम खत्म हो गया। अब मॉर्निंग में हस्बैंड कहते हैं कि जल चढ़ाने जाना, शिव का जल चढ़ाने जाना। तो मैंने उनको मना करा, मैंने कहा शिव के ऊपर मैंने जल नहीं चढ़ाना, मेरे को शिव जी ने मना करा जल के लिए। वो कहते ऐसे कुछ नहीं होता, सपने कुछ नहीं होते हैं, चल पड़े। अब गली की नुक्कड़ एक ही क्रॉस करी तो हस्बैंड को पता नहीं क्या हुआ, गुस्सा इतना करा तो मेरे को वापस आना पड़ा। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। अगले दिन कहते चलो ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, शिव के ऊपर जल चढ़ाने इकट्ठे चलेंगे। ये देखो कि ईश्वर क्या चीज है। अगले दिन फिर गए, जब अगले दिन गए तो नेक्स्ट नुक्कड़ आया। उस टाइम भी इनको बाई चांस पता नहीं क्या हुआ, बहुत गुस्सा करा और मैं वापस आ गई, क्योंकि मेरे को हुक्म नहीं था शिव के ऊपर जल। ये थोड़ी है कि देवी देवता नाराज नहीं, प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते हैं और नाराज भी बहुत जल्दी होते हैं। उसके बाद मैंने 6 महीने साल शिव के ऊपर जल नहीं चढ़ाया, डर के मारे। छोटे छोटे बच्चे थे, ज्वाइंट फैमिली थी, काम काज इतना होता था, पहले कहां होते थे हेल्पर, खुद ही सब काम समेटने पड़ते थे। उसके बाद साल के बाद मैं एक दिन ऐसे अचानक मेरे में बहुत जोश आ गया। जब जोश आया बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा, ऐसे मन में सोचा, मैंने कहा ऐसी क्या बात है शिव की। उस टाइम बचपन भी था, इतने बड़े नहीं थे, तो मेरे को बहुत जोश आया। मैं कि ऐसी क्या बात है, रोक के देखे तो मेरे को कैसे रोकते हैं शिव। और मैंने बड़े जोश के साथ अपना दूध जो भी लेना था, दही, सब कुछ लेके शिव मंदिर में गई। और सबसे पहले जैसे शिव ने कहा था कि पहले विष्णु भगवान की आराधना करो, मैंने विष्णु भगवान की आराधना करी और उसके बाद मैंने शिवलिंग को पकड़ लिया जोर से। मैं कि अब हिम्मत है तो मेरे को रोक के दिखा दे। मैंने ऐसे दोनों हाथों को कर करके पूरा दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, खूब स्नान करा। उसके बाद मैंने आज तक भी शिव पे जल चढ़ाना नहीं छोड़ा। अगर कहीं
जरूरी काम से ना भी जल चढ़े तो हमेशा शिव खुद ही बुला लेते हैं। ये उनकी भक्ति है, ये है भोले भंडारी। जो हमारे गुरु जी हैं वो साक्षात शिव हैं, साक्षात शिव है। जब मैंने वो जल चढ़ाया उसके बाद देखो शिव प्रभु ने बहुत कृपा बरसाई, बहुत कृपा बरसाई घर के अंदर। यो क्या कहते नौ नीता बारह सीता, और ऐसी शिव की कृपा हुई। एक दिन कोई अंकल आए घर के अंदर आए, इनके फ्रेंड थे, कहते जी मैं तो कैलाश मानसरोवर करके आया। तो मैंने कहा कैलाश मानसरोवर क्या है, मैं भी करूंगी कैलाश मानसरोवर। कहता जी आप ऐसे कैसे कर सकते कैलाश मानसरोवर, पहले शिव के बारह ज्योतिर्लिंग है वो करो। तो मैंने सोचा, उसने कहा एक इस दिशा में है, एक इस दिशा में है, एक कौन सी स्टेट में, कौन सी स्टेट में। तो मैं बड़ी, मैंने कहा इतने ज्योतिर्लिंग है, बारह ज्योतिर्लिंग है, तो हम तो दर्शन कर ही नहीं सकते शिव के। ये गुरु जी की कृपा है, कैसे उन्होंने ब्लेस करा मेरे को, कैसे ब्लेस करा गुरु जी ने, ऐसे बारह ज्योतिर्लिंग गुरु जी ने करवाए। इवन डबल हुए कई ज्योतिर्लिंग, कैलाश मानसरोवर हुआ, अमरनाथ हुआ, चारों धाम हुए, गंगा सागर हुआ। ऐसा कौन सा तीर्थ है, जितने गुरुद्वारे हैं वो सारे हुए। तो ये किसकी कृपा है, ये भोले भंडारी गुरु जी की कृपा है। मैंने सारी ये चीजें करी, उसके बाद मैंने एक ही तत्व निकाला, वो क्या है कि जो हमारे गुरु जी का द्वारा है, जो हमारे शिव भोले भंडारी का द्वारा है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे परिवार का एक्सपीरियंस है कि शिव द्वारा ही उसमें ही बारह ज्योतिर्लिंग है, चारों धाम है, वहीं गंगा सागर, वहीं अमरनाथ। आप खुद फील करोगे वो द्वारा ऐसा है, वो एक में ही सब तीर्थ सिमटे हुए हैं। एक बार आप जाओगे आपके समझो सारे तीर्थ भी हो गए, धाम भी हो गए, सब कुछ हो गया। ये वो शक्ति है शिव गुरु जी, इनमें कोई अंतर नहीं है। हमारे गुरु जी जो हैं वो शिव भी हैं, विष्णु भी हैं, हर चीज। शिव जो है पार्वती है, पार्वती और शिव एक ही रूप है, अर्ध नारीश्वर। हमारे जो गुरु जी हैं उनके अंदर ही सब कुछ समाया हुआ, सब कुछ उनकी, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि उनकी व्याख्या करनी बहुत ही टफ है। गुरु जी के टाइम एक बार मैंने कहा गुरु जी ने मेरे को हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए, भैरों के रूप में दर्शन दिए, धर्मराज के रूप में दर्शन दिए, और इवन शिव के रूप में भी दर्शन दिया। जब भी दर्शन हुए उनके पास जाके कहने की जैसे कोशिश करने कि गुरुजी आज ऐसे, वो पहले ही चुप करा देते थे उस टाइम। ए ब्लेस किया तेनू दसी दानी, तो वो क्या है उनकी महिमा का वर्णन क्या है। ऐसे कई बार हम सामने बैठे होते थे, गुरुजी कहते थे ऐनी पत्थरां नाल टक्करा मारी जांदे, रब थोड़े अगे बैठा। जब भी हम शिव को इशनान करवाते हैं या शिवलिंग को इशनान करवाते हैं, तो हम ये नहीं सोचते
कि भगवान शिव है, हम साक्षात शिव गुरु जी को इकट्ठे समझते हैं कि हम अपने गुरु जी को स्नान करवा रहे हैं। गुरु जी के भी टाइम, कई बार गुरु जी बैठते थे, गुरु जी को स्नान होता था, दूध से होता था। तो शिव जो है, आज मैंने एक देखा कि एक जगह कई संगत के लोग शिव को स्नान करवा रहे, क्या मल मल के स्नान करवा रहे। जो शिव है वही हमारे गुरु जी हैं। गुरु जी को बहुत शौक था जैसे शिवरात्रि, वैसे तो सारा साल गुरु जी के फंक्शन होते हैं, चाहे नया साल हो गया, चाहे बैसाखी हो गई, शिवरात्रि हो गई, हर फेस्टिवल पूरा परिवार, करोड़ों लोग, लाखों लोग इकट्ठे बैठ के ये त्योहार फेस्टिवल मनाते हैं। एक मिनट आप इमेजिन करो, जो लोग गुरुजी के साथ नहीं जुड़े वो क्या मनाते हैं। सिंपल फास्ट रखा और पूजा करी, गुरुजी की कृपा से, मेहर से जब हम इस परिवार में शामिल हुए हैं तो कैसे हजारों लोगों के साथ हम गुरुजी का फेस्टिवल मनाते हैं। आज गुरुजी का घर घर में, सारे वर्ल्ड में शिवरात्रि का फंक्शन हो रहा, हर घर के अंदर शिव की आराधना हो रही है, गुरुजी की आराधना हो रही है। गुरुजी और शिव एक रूप है। तो ऐसे मेरे शिव प्रसन्न हुए, तो इसी तरह गुरुजी है। ये मत सोचो गुरुजी परीक्षा नहीं लेते, गुरुजी परीक्षा भी बहुत तकड़ी लेते हैं। अगर हम उनको सच्चा प्यार करते हैं, वो कई बार ऐसी परीक्षा लेते हैं तो हम भटक जाते हैं, उस रास्ते से भटक जाते हैं, यही उनकी परीक्षा है। अगर हम उनको सच्चा प्यार करते हैं, हमारा सच्चा समर्पण है उनके आगे, तो गुरु जी हमेशा कृपा बरसाते हैं। वो कहते वो तो एक हाथ मेरी तरफ फैलाओ, फैला के तो देखो एक हाथ, और दस हाथ मेरे आपकी तरफ हैं। जब बड़े मंदिर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उस टाइम जो वहां मंदिर के ठेकेदार थे या कंस्ट्रक्शन करने वाले थे, वो इतने दुखी हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि वहां नाग निकलते थे। अब नाग, इतने बड़े बड़े नाग निकल रहे हैं, सांप निकल रहे हैं, तो कौन कंस्ट्रक्शन करेगा। शाम के टाइम उन्होंने आके बताया छोटे मंदिर में कि हम काम नहीं करेंगे, वहां तो बहुत बड़े बड़े नाग निकल रहे। गुरुजी का एक ही कहना था कि कल से आप काम करो, वहां एक भी नाग नहीं दिखेगा। तो किसने कंट्रोल करा? शिव बोले भंडारी गुरुजी ने, ये तो भोले हैं, गुरुजी हमारे बहुत भोले हैं। उस टाइम कहते भी रहते थे, जितने लोग आ रहे थे, कोई अपनी कोई समस्या लेके, कोई समस्या लेके, जिनको भी हेल्थ की समस्या होती थी, कहते रहते थे मैं कोई डॉक्टर है, पर उसी पल उसकी समस्या का हल कर देते थे। तो ये है शिव भोले भंडारी। आज घर घर में उत्सव हो रहे हैं, फॉरेन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, सब जगह गुरु जी की शिवरात्रि चल रही है।
गुरु जी खुशियों के और प्रेम के प्रतीक थे। उनको बहुत ही अच्छा लगता था संगत को खिलाना, संगत के बीच में संगत को एंजॉय करवाना। और संगत आज ये देखो कि जितनी भी वर्ल्ड की संगत है वो सारी एक परिवार की तरह है। गुरुजी कहते थे मैं तो परिवार बना के चल रहा है। गुरुजी के टाइम जब हम बैठते थे, बहुत ही पहले भी बताया कि बहुत ही कम लोग होते थे, पर हम हमेशा हमारा यही ध्यान होता था कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, कैसे ब्लेस कर रहे हैं और वो कैसे सचखंड का प्रसाद कैसे निकाल रहे हैं। ये चीजें हमने अपनी आंखों से देखी, डेली कितने लोगों को ब्लेस करते थे। कभी कोई बीमारी वाला आते थे, किसी का ऑपरेशन होना होता था, किसी का कुछ होना, किसी को फाइनेंस की दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, तो इस तरह गुरुजी डेली कितने लोगों को ब्लेस करते थे। गुरुजी कहते थे परिवार का एक मेंबर भी आ गया ना ते वो सत कुलां नूं तार के रख देगा। अब ये देखो आप सोच सकते हैं कि हमारे गुरुजी शिव बोले भंडारे गुरुजी ये कैसे ईश्वर है। तो एक सेकंड में सुन लेते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कई बार कहते लोग गुरुजी को मानो, मांगो नहीं, पर मानव है, मांगे बिना किसी से रहा भी नहीं जाता। हर दुखी इंसान जो है वो अपना दुख गुरुजी को सुनाएगा ही। गुरुजी के साथ जब हम रामगढ़ में गए थे, गुरुजी का बताती हूं कि उस टाइम भी गुरुजी ने कितनी कृपा करी, कितना लोगों को ब्लेस करा। उस टाइम गुरुजी एक दिन हम लोग कहीं जा रहे थे तो रास्ते में ऐसे गुरुजी रुके, प्यास लगी तो गुरुजी हम रुके, एक सड़क के किनारे पे किसी का घर था, वो लड़की ट्रे लेके आ गई पानी के गिलास, गुरुजी के आगे उसने गिलास करा। पहले ही शब्द था गुरुजी का, ब्याह नहीं हुंदा तेरा? वो कहती जी नहीं, मेरी शादी नहीं हो रही, बहुत घर वाले मेरे बहुत परेशान हैं। गुरुजी ने उसको यही कहा था कि 5 सोमवार दे व्रत रख ला। कई बार गुरुजी सोमवार के व्रतों को कह देते थे, क्यों? शिव भोले भंडारे करते थे गुरुजी, ब्लेस करने वाले गुरुजी हैं, साक्षात शिव हैं, और अपने ऊपर नहीं आने देते थे। ऐसे वहां दिल्ली जब सत्संग चलता था, गुरुजी का मैं बताती हूं कि मैंने गुरुजी प्रसाद को आज भी बढ़ा देते हैं, लंगर को भी बढ़ा देते हैं, कभी कोई सामान खत्म नहीं होने देते वो। एक दिन ऐसे वहां रामगढ़ में गुरुजी के पास मैंने ड्राई फ्रूट की ट्रे रखी,
जब ड्राई फ्रूट का प्रसाद रखा, संगत काफी थी और मैंने सोचा कि गुरुजी थोड़ा 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 देंगे। जब गुरुजी देने लगे, उनकी जो नेचर थी उन्होंने अपने अनुसार देना था। जब लाइन लगी तो गुरुजी ऐसे हाथ भर भर के प्रसाद देने लगे, तो गुरुजी के सामने मैं खड़ी थी क्योंकि उतना ही प्रात के अंदर ड्राई फ्रूट था। जब प्रात के अंदर उतना ही ड्राई फ्रूट था तो मेरे को ये था कि मैं किसी तरह गुरुजी को इशारा करूं। गुरुजी मेरी तरफ देखे तो सही, मैं इशारा करूं कि गुरुजी थोड़ा थोड़ा। उसके बाद गुरुजी ने मेरी तरफ नहीं देखा, पर मेरी ब्रेकें ऐसी लग रही थी जैसे कोई गाड़ी की ब्रेक लगा रहा कि गुरुजी काम, गुरुजी अगर प्रसाद खत्म हो गया तो यहाँ तो आसपास कहीं मिलना भी नहीं है, और गुरुजी मेरे को कहेंगे कि शर्म आंटी हाँ ले आ फटाफट अंदरों और प्रसाद ले आ। तो दिल धक धक हो रहा था, धड़क रहा था भी कैसे प्रसाद का करेंगे गुरुजी। ये देखो जब सारी संगत निपट गई तो उस प्रात में ड्राई फ्रूट एज इट इज था, और गुरुजी मेरी तरफ देख के मन मन मुस्कुरा रहे थे। वो ये कहना चाहते थे कि देखिया, ये उनकी शक्ति का एहसास था। गुरुजी की इतनी पावर, इतनी उनकी शक्ति, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम कहते हैं ना कि ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं था। उस टाइम गुरुजी के दरबार में जितने भी लोग थे, सारे क्लास वन पीपल थे, ऐसे सिमटे हुए थे, थोड़े से लोग थे, थोड़ी सी संगत थी। उसी के बीच में हम इतना आनंद लेते थे गुरुजी का, बहुत आनंद लेते थे। वो सब जाने जान थे कि आने वाला टाइम क्या है, उनको सब खबर थी। उस टाइम वो जितनी भी थोड़ी संगत जैसे जैसे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर भी वो कम संगत थी उसी हिसाब से, तो वो उतनी संगत के अंदर बाउंड थे। आज वो फ्री पंछी हैं, हर डाल डाल के ऊपर जाके, कितने उनके आगे कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा कौन सा आदमी है जिसने गुरुजी को सरेंडर करा और गुरुजी ने उसका कल्याण नहीं करा। आप देखते हो दिल्ली में भी जितने भी, कई बार हम देखते हैं ऑटो के पीछे भी गुरुजी लिखा होता, रिक्शा के पीछे भी गुरुजी लिखा होता। गुरुजी झोंपड़ी के अंदर घुस घुस के लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। जी वो शिव भोले भंडारी हैं, जी वो ईश्वर है। आज उनका फेस्टिवल है गुरुजी का। हमारे परिवार के अंदर क्या, हम कैसे ब्लेस हुए। उस टाइम गुरुजी ने कितनी मेहरें हमारे ऊपर बरसाई। एक दिन सत्संग में, आपको बताती हूँ, कभी कोई पुराने नहीं होते, नए नहीं होते। आज मैं मन में सोच रही थी कि मैं कौन सा सत्संग करूं गुरुजी का, और करवाने वाले वो ही हैं। गुरुजी ने इतने दयालु हैं, जैसे ही हम उनके पास आए, ये हमारे पता नहीं कितने जन्म उनके पुण्य कर्म थे जो उनकी शरण में आए, और आते ही उन्होंने हमें दिल से लगाया। उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत रिगार्ड दिया।
गुरु जी जैसे हम शुरू शुरू में थे, हम उनके रंग में रंगे हुए थे, तो आज मैं बता रही हूं कि कई बारी एक किसी ने कहा तो शब्द लिखे कि जब मैं गुरु जी का स्वरूप छोटी सी फोटो डाल के निकलता हूं रोड पे, तो आस पास चलने वाले कह देते हैं कि कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ आपने। ये गुरु जी ऐसी, अब ये ईश्वर ऐसे हैं, ये सबसे डिफरेंट ईश्वर है। कभी देखा किसी हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, किसी ने खुशबू फेंकी हो, किसी ने कुछ वो कहते चमत्कार, ऐसे ईश्वर कौन से हैं? ये ऐसे तभी मैं इनको कहती हूँ कि ये डिफरेंट टाइप के ईश्वर है। कैसे ये हर जगह जहां हम महसूस करना होता इनकी खुशबू सी आ जाती है, और खुशबू भी ऐसी है कि गर्म गर्म खुशबू होती है इनकी, जिसके अंदर निग आता है और हम उस खुशबू के अंदर खो जाते हैं। एक दिन हम गुरुजी के साथ ऐसी रात के टाइम बैठे हुए थे, गुरुजी ने बहुत अच्छे अच्छे मौके भी हमें दिए, उनका हमेशा जब भी बैठते थे अपनी सीट से उठते थे, अपने ड्रेस में आते थे, बड़े कंफर्टेबल होके कारपेट पे लेट जाते थे, और हमारा क्या होता था, गुरुजी का चरण दबा दिए, हाथ दबा दिए, कंधे दबा दिए, और वो छोटी 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 बातें करते रहते थे। उस टाइम हमें नहीं पता था कि हम ईश्वर के साथ बैठे हैं, हम तो सिंपल उनके साथ सिंपल बातें करते थे। एक दिन ऐसे हुआ, हमें बहुत ही अच्छा मौका मिला, मैं हस्बैंड और हमारी डॉटर थी बड़े वाले, हम तीनों बैठे थे रात को, संगत चले गई, और रात को करते करते संगत सारी चले गई, देखते देखते हम तीन लोग दरबार में रह गए। वो ऐसा दिन था कि उस दिन किचन में भी कोई नहीं था, रात को 2-2.5 बजे का टाइम था, क्योंकि कई बार गुरुजी के साथ ऐसे ऐसे मौके भी आए हैं, उस प्रभु ने मौके दिए कि सुबह भी हो गई और सैर भी गए उनके साथ। कभी ऐसे मौके भी आए, कभी संगत के साथ थोड़ी 8-10 लोगों के साथ उनके साथ कहीं घूमने चले गए, या कई बार ऐसे मौके भी आए शर्मा कट गड्डी गाड़ी में बैठे खुद ड्राइव कर रहे शर्मा, तो उस दिन कोई भी नहीं था। हमने गुरुजी को ऐसी बातें कर रहे थे, गुरुजी के साथ छोटी छोटी बातें कर रहे थे, इतने में क्या हुआ, गुरुजी उठे। अब गुरुजी उठे, परमिशन उन्होंने देनी वापसी के, उनकी परमिशन के बिना हम कभी भी घर नहीं जाते थे। गुरुजी आगे चल पड़े और हम उनके पीछे रूम के अंदर गए, गुरुजी के रूम के अंदर गए, तो क्या देखते हैं कि गुरुजी बेड के ऊपर अपने बैठ गए और हस्बैंड उनके चरण दबाने लगे और डॉटर ने उनको हाथ पकड़ लिया, हाथ दबाने लगे, और उस दिन उन्होंने बड़ी स्मार्ट पैंट शर्ट येलो कलर की लाइनों वाली डाल रखी थी, तो उन्होंने अपनी बैग ऐसे उठाई शर्ट और मेरे को कहा कि तू प्रेस कर। मैंने प्रेस करना जैसे शुरू करा, आज मैं आपको बता रही हूं कि जो खुशबू हम लेते हैं कहां सारे वर्ल्ड में खुशबू पहुंच जाती है, वो खुशबू क्रिएट कहां से होती है। तो देखा इतने में जैसे जैसे मैं उनके पीछे बैग को प्रेस कर रही थी, उस टाइम मेरे को उन्होंने टोका भी कि शर्मा आंटी तेरे ते हाथ भी छोटे है, तेरे हाथों च जोर भी नहीं है। तो मैंने और प्रेस करना शुरू करा उनके कंधे को पकड़ के,
क्या उनकी बॉडी के अंदर बादल निकल रहे थे खुशबू के? वो खुशबू के बादल निकलते देखे, इतनी खुशबू वो बॉडी के अंदर से क्रिएट हो रही थी कि उसको टॉलरेट करना भी बड़ा मुश्किल था, इतनी खुशबू थी। उसके बाद डॉटर को कहने लगे गुरुजी कि नाभि के अंदर देखा कि गोल गोल बादल, खुशबू के बादल निकल रहे थे। कहने लगे कर ले परमंड दे दर्शन, चलो हम उठो फिर, नमस्ते। नमस्ते मींस छुट्टी। ये जो हम खुशबू लेते हैं, कभी हम अपने घरों में लेते हैं, कभी रोड पे भी लेते हैं, कभी मतलब ऐसी खुशबू है वो दुनिया के किसी कोने भी चले जाओ आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये गुरुजी की खुशबू है। उनकी खुशबू आना तो उनकी प्रेजेंस का होना एक ही बात है, तो हम महसूस कर लेते हैं कि ये गुरुजी की जहां प्रेजेंस है। उनकी प्रेजेंस का महसूस करना, एक गुरुजी के टाइम उन्होंने मेरे को ऐसा ब्लेस करा था, उस टाइम मेरे को नहीं पता चला था कि ये क्या है, तो मैं भी सोचती थी कि ये पता नहीं क्या है। पर उनके जाने के बाद उस चीज को मैंने महसूस करा, फील करा कि इस चीज को जब मैं महसूस करती हूँ तो इट मींस गुरुजी की प्रेजेंस है, जी वो ईश्वर हैं, जी वो शिव भोले भंडारी हैं, जी वो शक्ति है। इनके अंदर एक एक शक्ति भरी पड़ी है, इनके चरणों में ही 12 ज्योतिर्लिंग है, चारों धाम है, जितने भी तीर्थ सोचो वो सब इनके चरणों में है। आप ये सोचो कि जो आज गुरु का परिवार चल रहा है वो कौन चला रहा है? गुरु जी। जो सेवादार रखे हुए हैं ये कौन है? ये गुरु जी के हुक्म से हैं, उनके हुक्म के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गुरु जी का दरबार पूरा परिपूर्ण, वो कहते थे कि मेरे मंदिर के आगे कोई निकल भी जाएगा वो भी ब्लेस होके जाएगा। कई लोग लॉकडाउन में या आज भी जिनको सुविधा नहीं मिलती, गुरु जी के द्वारे के बाहर भी अगर माथा टेक देते हैं या आगे एंट्री मेन रोड पे भी माथा टेक देते हैं तो आप ब्लेस हो जाते हैं। अगर घर के अंदर भी आप महसूस कर लेते हैं कि मैं गुरुजी के मंदिर के अंदर ही बैठा हूं तो आप लोग भी ब्लेस हो जाओगे। ये है उस ईश्वर की पावर, उस ईश्वर की शक्ति। हमने उस ईश्वर के साथ ऐसी मौजें करी, जब वो अपने गुरुजी ड्रेस देते थे, रात को ड्रेस कितनी देर डालते थे वो, हार्डली 2-3 घंटे ड्रेस डाल लेते थे। उनकी ड्रेस जैसे अपनी सीट से उठते थे, उस टाइम थोड़े लोग रह जाते थे 20-25, जब वो अपनी सीट से उठते थे 10-10:30 बजे का टाइम होता था, सबको भेज देते थे, करते करते कम 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 संगत हो जाती थी। जब अपनी सीट से उठते थे उन्होंने मेरे को इशारा करना, ऐसे हल्का सा इशारा करना और मैं गुरुजी आगे आगे और मैं पीछे पीछे। उनका जो स्ट्रॉल होता था
आधा उनके पीछे लटकरा होता था। ऐसे मटक मटक के चलते थे जैसे उनके रूम के अंदर जाना, गुरुजी ने वॉशरूम जाना और मैंने अपने दो बैग लगा रखे थे। गुरुजी ने भाई गुनगुनाते थे, उन्होंने अपने ड्रेस को चेंज करना और ड्रेस को चेंज करके उन्होंने ऐसे ही गुच्छू-मुच्छू करना, क्योंकि ड्रेस बहुत एक से एक भारी ड्रेस होती थी। उन्होंने ऐसे कपड़े जितने भी होते थे उनकी ड्रेस के, धोती थी, कुर्ता था, उनका स्टॉल था, उसको तीनों को ड्रेसों को गुच्छू-मुच्छू करके मेरी तरफ ऐसे फेंक देते थे। कई बारी चार चार पांच पांच ड्रेसें भी हो जाती थी, तभी मैं डबल बैग लेती थी। हमेशा कहते थे शर्मा आंटी, कई बार कहते थे एक कड़क करके लेके आई। ठीक है गुरुजी। और उन ड्रेसेस के अंदर कितनी खुशबू भरी होती थी, कितनी खुशबू भरी होती थी। जब मैं ड्रेस लेके जाती थी घर में, तो घर में एक चेयर होती थी गुरुजी जिस पे आके बैठे। वो चेयर हमने आज भी हमारे पास वो चेयर है, कुर्सी है जिसपे गुरुजी बैठते थे। उस पे हमने एक छोटा सा स्वरूप पहचान के लिए लगा रखा था। जब ड्राइंग रूम में हमने कपड़े रखने गुरुजी के, तो क्या घर सारा खुशबू से भर जाता था। सवेरे ही ड्राई क्लीनर था राजू, उस टाइम थोड़ी पता था कि ये तो शिव भोले भंडारी के कपड़े हैं, ये उस प्रभु के कपड़े हैं। सवेरे ही राजू ने आना, उस ड्राई क्लीनर ने, कितना अच्छा था वो। 9 बजे आके उसने वो सारी ड्रेस लेके जानी, 5 बजे दे जाता था। 5 बजे जैसे ही ड्रेस से लेती थी, तुरंत मैं गुरुजी के हम हस्बैंड के साथ गुरुजी की तरफ चल पड़ते थे। रास्ते में इनकी आदत थी, उस टाइम हम गुरुजी को फूल चढ़ाते थे, कोई हार चढ़ाता था, कोई फूल चढ़ाता था। उस टाइम मेरे को जल्दी होती थी जाने की, और इनको ये था कि ऑन द वे एक फूल वाला था, उससे ये बहुत ही प्यारे बुके बनाते थे। इन्होंने एक एक फूल उस बुके के अंदर लगवाना, और मेरे को था गुस्सा कि गुरुजी वहां वेट कर रहे होंगे, क्या पता उन्होंने कौन सी ड्रेस डालनी ना हो। पर नहीं, ये मस्ती में अपने एक, जब तक पूरी तसल्ली में होती थी, ये एक एक फूल अपनी पसंद का डलवाते थे। और जब वो बुके गुरुजी के आगे राइट साइड में रखते थे ये, तो गुरुजी देख के उसको क्या मन मन मुस्कुराते थे, वो सब जाने जानते। तो ऐसे गुरुजी ने, पता नहीं वो ईश्वर के साथ कई जन्मों के क्या संबंध थे हमारे, गुरुजी ने कैसे कैसे हमारी मौजें लगवाई। आज वो जो ड्राई क्लीन वाला आया, वो भी तर गया। पहले तो उसको वैल्यू नहीं पता थी। ये जरूर वो कहता था कि जी जब मैं आपके उनके कपड़े धोता हूँ, गुरुजी के कपड़े धोता हूँ, तो हमारे जो उसको मैं ईशा मैंने कहा था, जब भी मशीन में कपड़े डालेगा, इसको पहले अच्छी तरह शुद्ध करना, उसके बाद कोई भी आसपास ऐसी जमीन पे मत रखना गुरुजी के कपड़े, और बड़े ध्यान से हमारे गुरुजी का, और बड़े ध्यान से उसको वॉश करना गुरुजी के कपड़ों को। तो गुरुजी के साथ ऐसे हमारा दिन निकलते थे। वो कहते कई बारी
ईश्वर को भी अपने भक्तों की इंतजार होती थी। कई बार गुरु जी कहते थे आई नहीं है, हले आई नहीं है, तो सिंगला अंकल होते थे उस टाइम, जोशी अंकल होते थे, इतने में वो उनको सब खबर होती थी। इतने में गुरु जी कह देते थे ले आ रही है, आ रही है। उस टाइम पार्किंग में गुरु जी कहां अपने रूम के अंदर है, पार्किंग में जितनी गाड़ियां बाहर लगती थी, कितना डिस्टेंस होता था उस टाइम एम्पायर स्टेट में पार्किंग का, उनको सब पता होता था कि कौन सी गाड़ी कौन लेके आया, कौन सी गाड़ी कौन लेके आया, और किस गाड़ी के अंदर संगत अंदर बैठी हो वो बाहर नहीं आई, और किसके क्या विचार है मेरे प्रति, वो सब जानी जान। एक दिन हम दोनों ऐसे गुरुजी के पास शाम का टाइम अंदर आए, 4 बजे का टाइम था, रूम में बैठे, कहंदे शर्मा एक काले रंग दी गड्डी मर्सिडी ये कित्थों चुक ले आया। वो किसी दोस्त की थी, ये कित्थों चक ले आया। ये कहने लगे गुरुजी वो मेरे फ्रेंड की गाड़ी थी, गाड़ी है। अब हम सोचे कि गुरुजी रूम के अंदर बैठे हुए हैं, कहां हम उस गाड़ी को पार्क करके आए हैं, तो गुरुजी तक ये खबर कैसे पहुंच गई। उस टाइम तो हमें बहुत ही अच्छा लगता था, अच्छे मजे भी आ रहे थे कि गुरुजी भी आपस में भी हम डिस्कस कर रहे थे, कई बार संगत डिस्कस करती थी कि गुरुजी को कैसे पता चल जाता है, एक छोटी छोटी बातें गुरुजी को कैसे पता चल जाती हैं। आज हम उन बातों को महसूस करते हैं कि गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, वो ईश्वर सब कुछ कर सकता है, उनके पास कोई ऐसा काम नहीं है जिस काम को जितने, वो कहते ईश्वर ने तो अपने डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं, कोई पैदा करने वाला, कोई खिलाने वाला, कोई संहार करने वाला है, पर एक यही ऐसे भोले भंडारी हैं जिन्होंने सारे डिपार्टमेंट अपने हाथों में रखे हैं। वर्ल्ड की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो इस समस्या का हल नहीं कर सकते। ये है, ये नहीं कि ये ऐसे समस्या का हल करते हैं, इसके लिए भी हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत सबसे पहले हमें गुरु जी को सरेंडर करना चाहिए, तभी करेंगे। वो कहते माँ भी दूध तभी देती है, रोटी तभी देती है जब हम रोते हैं, माँ को मनाते हैं। इसी तरह ये ईश्वर है, ईश्वर के क्या नियम है वो हमें फॉलो करने चाहिए। वो देने वाले तो बैठे हैं, पर हम मांगने वालों को भी अकल होनी चाहिए कि हमने उनसे, उस ईश्वर से मांगना कैसे है। उनके इतने सिंपल हैं, सिंपल हैं। वो हमेशा उस टाइम भी कहते थे शब्दों को सुनो, चाहे हमें समझ आते हैं नहीं समझ आते हैं, पर जब हम ब्लेस करे हुए शब्दों को सुनते हैं, उनके अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो अपने आप कृपा बरसाते हैं। गुरु जी कोई दूर नहीं है, वो ईश्वर कोई दूर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, पर हमने पहचानना। गुरु जी कोई दूर थोड़ी है, वो तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, वो ईश्वर साक्षात हमारे अंदर है, पर हमने पहचानना उस ईश्वर को कैसे पाना, ये हमारी थोड़ी सी मेहनत है। हमें उनके जो नियम है, काम क्रोध लोभ अहंकार,
जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं, सबसे टॉप का वर्ड है अहंकार, मैं। आज हर आदमी मैं। जब मैं को खत्म कर देते हैं, हम कहते हैं कि तू ही तू। एक बार मुंह से कह के देखो, अपने को ये फील करो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। घर के फैमिली के अंदर ये कह के देखो कि मैं कुछ नहीं हूं, तू ही तू है। हर बात में मैं आगे ना लेके आओ। कभी भी जिन लोगों को उन्होंने कहा, जो चीजें उनको नहीं अच्छी लगती थी, निंदा, चुगली, किसी की बुराई करने, एक छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम उन चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको मान लेते हैं, तो हमारा घर भी स्वर्ग हो जाता है और हमारे अंदर जो गुरुजी बैठे हैं, जो ईश्वर बैठे हैं, उनकी भी हमें प्राप्ति हो जाती है। आज जितनी भी संगत जुड़ी हुई है गुरुजी के साथ, वर्ड की संगत जुड़ी हुई है, नो डाउट बहुत प्यारी संगत है, बहुत अच्छी संगत है। वो संगत बहुत मेहनत करती है, फॉलो भी करती है, तो तभी उनके गुरुजी दुख दूर कर रहे हैं। वो ऐसी संगत है जो जो संगत ब्लेस हो रही है, इतनी सच्ची संगत है। गुरुजी कहते थे, जब भी कोई ब्लेस होता है, जब भी मैं किसी को ब्लेस करता हूँ, तो वो ब्लेसिंग अपनी बतानी चाहिए। जब तक तुम अपनी ब्लेसिंग बताओगे नहीं, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि गुरुजी क्या है, उनकी पावर। आज लोगों ने, आज संगत ने, जो बड़े मंदिर से मैनेजमेंट कमेटी ने ये सिस्टम शुरू करा, जूम का सिस्टम शुरू करा, ये दी बेस्ट है। लॉकडाउन में आज कितने लोगों के घर स्वर्ग बने हैं, कितनी दुनिया के दुख दूर हुए हैं। धीरे धीरे लोग जुड़े हैं। गुरुजी का परिवार कितना बड़ा है, कितनी दुनिया ब्लेस हुई है। मैनेजमेंट कमेटी को, उस दरबार को शत शत प्रणाम, और सारी संगत की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं किस किस के दरबार, आज देखो घर घर में भी जूम चले हुए हैं। जो सत्संग हो रहे हैं वो जूम के थ्रू हो रहे हैं। जो लोग सत्संग कर रहे हैं, कोई बाहर की कंट्रीज के सत्संग हो रहे, दुबई का हो रहा, अबूधाबी का हो रहा, कैलिफोर्निया के हो रहे हैं, वैंकूवर का हो रहा, टोरंटो का हो रहा, कैसे हो रहे हैं। गुरुजी का सारा परिवार जूम के थ्रू जुड़ा हुआ। आज सारा परिवार एक परिवार है। वो गुरुजी की बातें, गुरुजी का बता रही हूं कि एक दिन ऐसे गुरुजी रात को संगत चली गई थी। अक्सर कई बार कह देते थे, शर्मा गड्डी कट चलते हैं। कभी उनसे ये नहीं पूछा था कहाँ जाना गुरुजी। जैसे गाड़ी ये खुद ही ड्राइव करते थे, गुरुजी साथ बैठ गए, मैं भी बीच में बैठ गई। ऐसे बहुत मौके मिले, उस ईश्वर के साथ बैठने के बहुत मौके मिले। तो कट गड्डी बड़े मंदिर चलते हैं। जिन दिनों कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो गुरुजी का मूड कभी भी बनता होता था, किसी न किसी संगत को लेके बड़े मंदिर पहुंच जाते थे। और रास्ते में छोटी छोटी बातें, हम उसी रूट पे चल रहे थे एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर की तरफ। टाइम भी लगता, उस दौरान कितनी बातें होती हैं। अब हमने कभी ध्यान नहीं करा था कि यहाँ स्पीड ब्रेकर भी है। उस टाइम, आज तो उस रास्ते में स्पीड ब्रेकर नहीं है,
पर गुरुजी कहने लगे, शर्मा हौली चला गड्डी, तेनू पता नहीं है 17 स्पीड ब्रेकर है। ठीक है गुरुजी। जैसी गाड़ी चल रही थी तो आगे एक जगह ऐसी आई, कहंदे शर्मा ए केड़ी जगह है। जे भी इन्होंने अंदाजे से कहा, गुरुजी के दरबार से पहले आती वो जगह फतेहपुर बेरी। ये कहने लगे कि गुरुजी फतेहपुर बेरी है जे तो। शर्मा एथे तक मेरिया लैना लग जानिया और मैं पीछे बैठी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही हूं। मैंने कहा देखा कितनी तुप्पी मार रहे हैं गुरुजी, ऐसी थोड़ी होता लेने लग जानी है। गुरुजी का मंदिर कहाँ है? उस टाइम तो मंदिर भी स्टार्ट नहीं हुआ था। गुरुजी कभी कभी जाते थे, उस टाइम तो मंदिर भी स्टार्ट नहीं हुआ था। गुरुजी हमेशा कहते थे संगत लिए मंदिर बनाया मैं। उनको पता था आने वाला वक्त कैसा है, क्योंकि वो जो छोटा मंदिर था वो दरबार छोटा था, सीमित था। उनको पता था लाखों लोगों ने आना जहां, तो कहते लेना लग जानी है। मैंने कहा ऐसी कर रहे हैं, दिल में सोचा। पर उस टाइम हमें कई बार धोखा खा जाते थे कि गुरुजी तो अंदर की सारी बात जानते हैं, वो मेरी बात अंदर की जान के भी मुस्कुरा रहे होंगे। अब रात को आधी रात पहुंचे तो गेट बंद, बड़ा मंदिर बंद। जैसे ही गेट हल्का सा नॉक करा, इतने में आज भी वो माली हैं, मंदिर के बहुत पुराने माली हैं, वो दौड़े आए। उन्होंने आके गेट खोला, गुरुजी एंटर करते कहने लगे, किथे तेरी मालन, माली की जो वाइफ है उसको कहते किथे तेरी मालन। उन्होंने कहा गुरुजी यही है, चल उन्होंने कहा मिठे चौल बना। अब गुरुजी के लिए चारपाई रखी, जब चारपाई रखी तो उस टाइम ये सुनी, आज तो गुरुजी के लिए क्या दरबार में क्या। वो कहते जब इंसान पता नहीं था कि वो ईश्वर है, सिंपल चारपाई, एक तकिया रख दिया, गुरुजी लेट गए, हम दोनों बैठ गए, चावल भी खाए, मीठे चावल खाए। एक वहां पिलर है बाहर के दरबार के बाहर, मैं उसकी स्पोर्ट से बैठ गई। अब 11 बजे के गए, 12, 1, 2, 2:30 बज गए। तो आदमी अंदर से बैठे बैठे, अब गुरुजी तो लेटे हुए हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में किस किस के कष्ट दूर कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं। तो अंदर से मेरे को ये था कि बच्चों को सवेरे स्कूल भेजना, तो मैंने मन में ही कहा, मैं के बस करो, बस भी करो, मैं क्या, मैं के 2:30 बजे का टाइम हो गया। तो मैंने देखा घड़ी, देखी 2:30 बजे, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना तो हम कभी भी जा नहीं सकते थे। आना अपने हाथ, आज भी जाना उनके हाथ में। जैसे ही मन में सोचा मैंने, एक सेकंड नहीं लगाया उठने में, ऐसे मेरे आगे उन्होंने मुंह करा, कहते चलिए फिर। मैं क्या, हां जी गुरुजी। वापस आए, गुरुजी अंदर गए रूम के अंदर, चलो फिर नमस्ते, हम अपने घर को वापस आए। तो ये है ईश्वर, ईश्वर जो जो भी धरती पे आए, चाहे वो गुरु नानक देव, चाहे साईं, चाहे गुरुजी आए, या कोई भी बुद्ध आए, कोई भी बड़े बड़े जो भी ईश्वर धरती पे आए हैं, दुनिया के कष्ट काटने के लिए धरती पे आए हैं,
सिंपल वे से रहे। अब साईं क्या थे, घर घर के अंदर वो बेचारे मांगते थे, आज उनके लिए गद्दे एक से एक बढ़िया आसन। तो आज हमारे गुरुजी जैसे हैं, उस टाइम भी गुरुजी जो भी वस्त्र भी पहनते वो अपने लिए नहीं उन्होंने पहने, संगत के लिए। जब वो सिंपल ड्रेस में होते थे तो उनको कौन पहचानता था, स्मार्ट पैंट टी शर्ट डाली हुई अब जा रहे हैं तो कौन कहेगा गुरुजी। तो कहने वालों ने भी कहा कि गुरुजी आपकी पहचान कैसे होगी। उसके बाद उन्होंने ये ड्रेस डालनी शुरू करी। धीरे धीरे उनकी ड्रेसेस, इतनी प्यारी ड्रेसेस, उनको बहुत शौक होता था ड्रेसेस का, कलर का। आज कई लोग वहम करते हैं ये रंग नहीं पहनना, गुरुजी को वो रंग नहीं पसंद था, ऐसा कुछ नहीं। कई पीछे एक संगत ने पूछा कि जी गुरुजी तो चावल को मना करते थे तो चावल कैसे बनते, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी के दरबार में कोई भी वहम नहीं है। अब जैसे शिवरात्रि का हम व्रत रखते थे, ये थोड़े कि गुरुजी के टाइम नहीं रखते थे, गुरुजी के टाइम पे रखते थे शिवरात्रि का व्रत। सुबह हमने जो भी खाना पीना, लिक्विड ले लो, दूध ले लो, दही ले लो, पर जब गुरुजी के दरबार में आते थे गुरुजी का लंगर खाते थे। आज भी जैसे हम कल लोग जाएंगे, गुरुजी का हो सकता गुरुजी का बुलावा आए तो दर्शन करते हैं। सुबह फास्ट होता, जब गुरुजी के दरबार में जाते हैं वो जो दरबार का प्रसाद है वो सोचो सांच खंड का ही प्रसाद है, वो इतना पावरफुल प्रसाद होता, तुम्हारी अंदर की सारी बीमारियां भी खत्म, तुम्हारे जितने रोग दोष सब खत्म। ये है हमारे गुरुजी। बहुत मन इतना मेरा खुश हुआ आज के दिन, ये गुरुजी का ही बुलावा था, गुरुजी का शुक्राना, शिव भोले भंडारी का शुक्राना। गुरु जी ही शिव है, शिव ही गुरु है, और सारे उस शिव भोले भंडारी का शुक्राना करो। अंकल जय गुरु जी, सारी संगत को हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि, थैंक यू सो मच।